स्विट्जरलैंड वी रेड अप टू द मिड 18th सेंचुरी व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूरोप दिस वर द कंडीशन एज वी रेड अबाउट द पीपल सो क्वेश्चन अराइजेस हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट अमर्ज इन यूरोप हाउ सो वी मे स्टार्ट विद द यूरोप सोसाइटी दैट इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स aristocracy that is the land owning they spoke french languages they were in a small group families connected by the small marriage aristocracy means ye ho gaya ki nationalism kaise spread hua europe mein so it start hota hai europe ki society se europe society do parts mein divided thing aristocracy wo log jo bahut ameer the jinke paas zyada zameen thi land owning they spoke french languages देवर इन स्मॉल ग्रुप अमीर लोग कम ग्रुप में होते थे कम लोग होते थे उसमें उस टाइम और उनकी फैमिली जो थी वो किससे कनेक्टेड थी बाय द मैरिज अमीर लोग अमीर ही फैमिली में शादी करते थे और दूसरा ग्रुप था पीजेंट्री जैसे किसानों का वो लोग क्या थे देवर लैंड कल्टिवेटिंग देवर इन लार्ज ग्रुप एंड दे स्पोक द लोकल डायलेक्ट सो इनके डिफरेंस हैं कि वो लैंड ओनिंग थे ये लोग लैंड कल्टीवेशन करते थे वो फ्रेंच बोलते थे ये लोग लोकल डायलेक्ट बोलते थे और दे वर इन स्मॉल ग्रुप और ये लार्ज ग्रुप में थे लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अमीर अगर चेंज करना चाहे नेशनलिज्म अमीरों में कैसे आएगा उनके पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो बोलेंगे नहीं दूसरे थे पीजेंट्री जो गरीब थे उनके अंदर हिम्मत नहीं थी तो ना ये बोल इनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी एरिस्टोक्रेसी की और पीजेंट्री बोल पा नहीं रहते तो आखिर नेशनलिज्म आएगा कैसे सो इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लेड टू राइज ऑफ मिडिल क्लास लाइक डॉक्टर इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोग ऐसे थे मिडिल क्लास जो ना कि एरिस्टोक्रेसी के साथ बैठ सकते थे और ना ही पीजेंट्री के साथ बैठना चाहते थे तो ये लोग बीच के थे ना ये एरिस्टोक्रेसी की तरह बड़ी ज़मीन रखते थे और ना ही ये लोग कल्टिवेशन करते थे ये मिडिल क्लास थे सो इन्होंने ही स्टार्ट किया नेशनलिज्म व्हाट दे ब्रॉट द आइडिया ऑफ कॉमन ट्रेडिशन कॉमन हिस्ट्री कॉमन लैंग्वेज हु स्टार्टेड द मिडिल क्लास सो इट स्टार्ट विद द लिबरल नेशनलिज्म लिबरल नेशनलिज्म कहलाते हैं अनदर फैक्टर ऑफ नेशनलिज्म डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट इन डिफरेंट वे हर किसी का अलग अलग तरीके की एक सोच थी नेशनलिज्म को लेकर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी मीन्स होता है एक होता है फ्रीडम आज़ादी होता है जो ओवरऑल होता है एक होता है लिबर्टी जो एक पर्सनल आज़ादी होती है पर्सनल फ्रीडम होता है गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट ये लोग गवर्नमेंट जो लाना चाहते हैं वो लोगों जैसे रिपब्लिक होता है हमारे यहाँ एंड ऑफ ऑटोक्रेसी इन लोगों ने जो तानाशाही थी ऑटोक्रेसी थी उसको एंड किया दीज वर द लिबरल नेशनलिज्म हु ब्रॉट द मिडिल क्लास लिबरल एंड पॉलिटिक्स दोज पीपल दे ब्रॉट द लिबरलिज्म इन पॉलिटिक्स ऑल्सो लाइक इक्वलिटी बिफोर लॉ सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट दे वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन वॉट स्टार्टेड देन लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक्स वॉट वॉज द लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक्स स्टेट टू स्टेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड Each state have its own currency, weights and measures for all those problems. A custom union formed Zollverein, ये important है. Zollverein in 1834 initiated by Prussia and later joined by many German states. ये था economic के थ्रू इनका उनका पैसा उनके खर्चे कैसे स्टार्ट हो सकते थे state to state restrictions हटाया गया हर state की अपनी अपनी currency थी ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था करेंसी थी अलग अलग वेट था सपोज अगर अपने इंडिया में देखें तो अगर जैसे हमारे इंडिया पूरे इंडिया में करेंसी जो चलती है वो होता है रुपी रुपया चलता है हमारे यहाँ लेकिन अगर हम स्टेट वाइज डिवाइड कर दें सपोज़ यूपी में रुपया चल रहा है अगर हम मध्य प्रदेश जाएँ वहाँ पर टका चलने लगे अगर हम बिहार जाएँ वहाँ पर अगर डॉलर चलने लगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा यही चीज़ वहाँ पे चल रही थी हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी थी अपना अपना मेजरमेंट था अपनी अपनी वेट्स थी इसको ख़त्म करने के लिए इसको एंड करने के लिए कस्टम यूनियन बना जिसका नाम था Zollverein और इसको स्टार्ट किया था इनिशिएट किया था प्रुशिया ने और बाद में सारे जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन कर लिया इसका रिजल्ट क्या हुआ दे एबॉलिश द ट्रेड करेंसी रिड्यूस टू फ्रॉम 30 करेंसी थी वहाँ पर जो रिड्यूस हुई क्या आ गई कितने पे आ गए 2 पे आ गए ब्रिटेन रशिया प्रूशिया ऑस्ट्रिया जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में अगर आप भूलें ना तो हम कह सकते हैं बर्पा ब्रिटेन आर फॉर रशिया पी फॉर प्रूशिया एंड ए फॉर ऑस्ट्रिया वॉट हैपेंड देन दे अटैक्ड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू जैसे हमने बताया था 17
1799 में नेपोलियन फ्रांस में आया और 1815 में वो उस पर अटैक हुआ, किसने किया था? ये चारों कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन पर अटैक किया। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? कंजर्वेशन आफ्टर 1815 में वाटरलू होने के बाद नेपोलियन को हटा दिया गया, मार दिया गया, और फिर क्या आया? कंजर्वेशन आया, मींस जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लाया था उसको वापस कंजर्व किया गया। क्या कंजर्व किया? प्रिजर्व मोनार्की, वापस मोनार्की लाया गया। चर्च की जो एक वैल्यू थी जो हटा दी गई थी उसको वापस वैल्यू दी गई। सोशल हायरार्कीज किया गया, ऑटोक्रेसी वापस लाई गई। नो क्रिटिसिज्म, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। सेंसरशिप वो अपोज्ड, इसको अपोज किया गया, जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया था उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। व्हाट हैपेंड देन? बर्पा, जो कंट्रीज चारों कंट्रीज ने नेपोलियन को हटाया था, वो चारों कंट्रीज दे मेट एट वाइना, वाइना एक जगह का नाम है, दे साइन ए ट्रीटी ऑफ वाइना अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंजेस दैट हैड कम इन यूरोप। ये चारों कंट्रीज़ ने वापस, जैसे हमने पढ़ा कंजर्वेशन, तो ये चारों कंट्रीज़ ने वापस उस चीज़ को ले आया जो नेपोलियन ने चेंजेस किया था। बर्बन डायनेस्टी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, 9th class में, बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड अंडर द रूल ऑफ लुइस 16th, वापस ला दिया गया फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। फ्रांस का अगर आप मैप देखें तो फ्रांस के आसपास की जो भी टेरिटरीज थी उसको क्या किया गया? एक बाउंड्रीज बना दी गई ताकि फ्रांस को ना ही कोई रूल कर सके, ना ही कोई बाहर से कैप्चर कर सके। प्रुशिया, जो चार कंट्रीज जो मिली थी उसमें प्रुशिया को क्या पार्ट मिला? प्रुशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स एंड पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। ये प्रुशिया को रिवॉर्ड मिला एट द ट्रीटी ऑफ वाइना। ऑस्ट्रिया को क्या रिवॉर्ड मिला? ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑन नॉर्दर्न इटली। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ये देखिए आप, इन लोगों को एक रिवॉर्ड मिला आफ्टर अटैकिंग नेपोलियन। अभी हम बात नहीं करेंगे ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन बहुत चलाक था, ब्रिटेन अभी बाद में हिस्सा लेगा अपना। 39 स्टेट वर लेफ्ट अनटच सेटअप बाई नेपोलियन। अभी इसको नहीं टच किया गया 39 स्टेट्स को, और हो सकता है ये मिले किसको? ब्रिटेन को। मेन रीजन वॉज ओनली टू रिस्टोर मोनार्कीज। ये सब चीज़ें हुई सिर्फ किस लिए? ताकि मोनार्कीज फिर से वापस आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? लेकिन जब व्हेन वाटर गोज अबव द नोज, ये आपने सुना होगा कि जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो रिवॉल्यूशनरी कुछ आए। कंजर्वेटिव वर अगेंस्ट रेडिकल्स एंड रेडिकल्स वर वांटेड टू क्रश देम। कंजर्वेटिव, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स, ये तीन लोग थे फ्रांस में। सो कंजर्वेटिव्स वर अगेंस्ट रेडिकल्स एंड रेडिकल्स वर वांटेड, रेडिकल्स वांटेड टू क्रश देम, हटा देना चाहते थे। फियर ऑफ देम, मेनी रिवॉल्यूशनरीज वर अंडर ग्राउंड। इनकी डर की वजह से कई रिवॉल्यूशनरीज क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए। दे मेड सीक्रेट सोसाइटी, किसने बनाया? रिवॉल्यूशनरी जो बदलाव लाना चाहते थे। दे स्प्रेड नेशनलिज्म, दे अपोज्ड मोनार्कीज, दे वॉन्टेड फ्रीडम एंड दे वॉन्टेड वॉट? नेशन स्टेट। और उसमें सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी जो है वो है गिज़िपी मैज़िनी। ही वॉज इटालियन रिवॉल्यूशनरी, ही वॉज अ मेम्बर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। ही फॉर्म्ड टू सोसाइटीज, यंग इटली इन मार्सिल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। ही बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये इटली के रिवॉल्यूशनरी थे। He attempted a revolution but was captured and sent into exile in 1831. Societies had members from many countries like Poland, France, Italy and German state. इनकी society में ये सारे country के लोग थे और इसी societies निकले हुए लोग अपने country को unified करना चाहते थे। People were frightened of his policies, इनकी policies से लोग डरे हुए थे। देन स्टार्टेड विद द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखिए रिवॉल्यूशनरी आए तो रिवॉल्यूशन तो करेंगे ही, तो रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1830 टू 1848। 1830 से स्टार्ट हुआ, वो था जुलाई रिवॉल्यूशन। क्या था? फ्रांस, दैट इज बर्बन किंग, वर ओवरथ्रोन एंड इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप वॉज एज इट्स हेड। बेल्जियम का क्या था? ब्रुसेल्स जिसका कैपिटल है। अर्लियर बेल्जियम वॉज विथ हॉलैंड, कंट्री थी, लोग मिले हुए थे, अंडर किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम वॉज सबॉर्डिनेट टू हॉलैंड, इनके एक पार्ट था। डच वॉज फोर्स टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज बट मेजोरिटी स्पोक फ्रेंच और फ्लेमिश। यहाँ देखिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, ज़्यादातर लोग क्या बोलते थे? डच। सो दे लेट टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बेल्जियम होकर डच बोल रहे हैं तो इन लोगों ने क्या किया? रिवोल्ट किया। सो दे स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड ऑन August 25, 1830 बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। आप गौर करेंगे कि बेल्जियम किसके अंडर किंगडम में था? नीदरलैंड में। लेकिन 25 अगस्त 1830 को ये फ्री हो गया फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड। उसी के साथ स्टार्ट होता है ग्रीक रिवॉल्यूशन। क्या था? इट वॉज अंडर ग्रीस,
किसके अंडर में था? इट वॉज अंडर द ओटोमन एम्पायर. एक साथ रिवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गया. 1830 में जुलाई रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस को लेकर, बेल्जियम को लेकर, और उसी उसके ही बाद ग्रीक का रिवोल्यूशन हुआ. ग्रीक में क्या प्रॉब्लम थी? इट वॉज अंडर द ओटोमन एम्पायर. द स्प्रेड ऑफ फ्रीडम मेड लिबरल्स ऑफ ग्रीक टू फाइट फॉर द फ्रीडम स्टार्टेड इन 1821. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832, ये ट्रीटी के साथ ग्रीक क्या हो गया? फ्री हो गया. थैंक यू सो मच.